हेलो नमस्कार दोस्तों, 20 दिसंबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ की तरफ। पहली जो न्यूज़ आई है वो आई है कालेश्वरम प्रोजेक्ट। देखो, कालेश्वरम जो मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि यह वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें पानी है वो एक जगह से लिफ्ट करके, मतलब लिफ्ट पानी को उठाया जाता है और फिर हाई एरिया तक पहुँचाया हो जाता है। जैसे पानी है, मान लो कि यहाँ पे पानी है, इस पानी को यहाँ से उठाया जाएगा, यानी कि कोई भी मोटर, कोई भी आप और तरह के सोर्सेज यूज़ कर सकते हो, उनके हेल्प से इस पानी को हाई एल्टीट्यूड वाला एरिया है वहाँ पे ले जाया जाएगा और फिर इसका यूज़ है वो किया जाएगा। इसे कहते हैं लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब हम देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट है कहाँ पे, कौन से स्टेट को इसका बेनिफिट है वो होने वाला है। देखो, कालेश्वरम जो मल्टीपर्पज़ लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये है गोदावरी रिवर पे, गोदावरी रिवर पे है। और कौन से स्टेट को इसका बेनिफिट मिलने वाला है, वो मिलने वाला है तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना स्टेट के लिए प्रोजेक्ट वो लाया गया है। काफ़ी सारे इसके यूज होंगे। जैसे देखो, यहाँ पे दिया भी गया है कि इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, पानी को डिफरेंट रिजर्व्स हैं उनकी हेल्प से, या फिर वाटर टनल बनाई जाएंगी, पाइपलाइन बनाई जाएंगी, कैनल बनाई जाएंगी, उनके थ्रू इस पानी को मतलब दूसरे एरिया में शिफ्ट है वो किया जाएगा और फिर उसको हाई एलिवेटेड वाले एरिया से दूसरी जगह पर शिफ्ट है, यानी कि जहाँ भी जरूरत होगी वहाँ यूज़ किया जाएगा। सिंचाई के एरिया में, मछली पालन में और भी तरह के जो प्रोजेक्ट वगैरह है उन सब में इस पानी का यूज़ है वो किया जाना है, इसीलिए इसका नाम है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। अब हम यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं गोदावरी रिवर के बारे में। क्यों? क्योंकि गोदावरी रिवर पे ये प्रोजेक्ट है वो बना हुआ है। देखो, गोदावरी रिवर है वो पेनिनसुलान एरिया की, या पेनिनसुलान जो इंडिया है इसकी लार्जेस्ट रिवर है। अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है वो, नंबर वन पे आती है गंगा रिवर, जो कि इंडिया में फ्लो करने वाली रिवर की बात की जा रही है। कि सबसे ज़्यादा इंडिया में जो लंबी रिवर है वो है गंगा रिवर, सबसे लंबी जो ट्रेवल करती है नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में दोनों में मिला के। इसके बाद में सेकंड नंबर पर रिवर आती है, वो आती है गोदावरी रिवर। और अगर हम बात करें पेनिनसुलर एरिया की, तो वहाँ पे सबसे लंबी रिवर आई है हो जाती है। ये जो रिवर है ये वेस्टर्न घाट से, ये हो गया हमारा इंडिया, तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट में जो मुंबई के पास में नासिक है एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ से नासिक के पास में एक जगह है जिसका नाम है त्र्यंबकम हिल। त्र्यंबकम हिल, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, त्र्यंबकम हिल है, वहाँ से ये ओरिजिन होती है और फिर ये ईस्टर्न घाट को क्रॉस करते हुए ईस्टर्न मतलब जो हमारा बे ऑफ बंगाल रीजन में जाके गिरती हैं। तो ध्यान रखना कहाँ से निकलती हैं, वेस्ट घाट से निकल, वेस्ट कोस्ट से, सॉरी वेस्ट जो घाट है यानी कि पश्चिमी घाट से रिवर है वो निकलती है त्र्यंबकम हिल से, नासिक से, और इसके बाद में ये फ्लो करती है यहाँ पे ईस्टर्न साइड और फिर बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती हैं। अब अगर हम बात करें तो इस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि साउथ इंडिया की हम बात करें, पेनिनसुला एरिया की इंपॉर्टेंट रिवर है, तो हम इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी ध्यान रखना है। देखो, इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें है, एक है राइट साइड की अगर हम बात करें तो आती है नासिरदी, इसके बाद में द्रंगना, इसके बाद में आती है परवाना, इसके बाद में यहाँ पे आती है सिंधफामना, इसके बाद में मंजीरा, मंजिन, मानेर। तो ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना, राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज हैं। इसमें आपको मंजीरा का थोड़ा नाम ध्यान रखना, क्योंकि ये कई बार सुर्खियों में रहती है। इसी के साथ अगर लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है कावदा, सिवाना, पुराना, कदम, प्राणहिता। प्राणहिता इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से राइट साइड में जो मंजीरा रिवर इंपॉर्टेंट थी उसी तरीके से प्राणहिता, इंद्रावती, ये दो रिवर और सबरी रिवर के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि गोदावरी की ये लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। तो क्या है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट? न्यूज़ ये आई है अभी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उसने अभी सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को लेकर ग्रांट यानी अप्रूवल है वो दे दिया है, जो कि केरला स्टेट के लिए एक प्रोजेक्ट है, यानी कि केरला गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। क्या है ये प्रोजेक्ट वो हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो, अगर आपने मैप देखा होगा तो ये है साउथ इंडिया का मैप, और केरला की जो लोकेशन है कुछ इस तरीके से है, मतलब वैसे केरला लंबा फैला हुआ है, तो नॉर्थ से लेकर साउथ में जो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट हैं या जिले हैं उनको आपस में कनेक्ट करेगा ये प्रोजेक्ट रेल रूट के थ्रू। इसमें क्या होगा, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वो चलाई जाएंगी ऊपर वाले हिस्से से, नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ। लगभग ये 532 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट है, यानी कि 532 किलोमीटर लंबी लेन जो कॉरिडोर है वो बिछाया जाएगा। और ये ध्यान रखना कहाँ से कहाँ तक है, ये है यहाँ पे थिरुवनंतपुरम से लेके थिरुसर तक। ये आपको ध्यान रखना है कि थिरुसूर से थिरुवनंतपुरम तक है। एम क्या है, मैंने आपको बताया कि जो मेजर डिस्ट्रिक्ट हैं केरला के उन टाउन हैं इनको आपस में सेमी हाई स्पीड रेल के थ्रू कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ये जो प्रोजेक्ट है वो एक जॉइंट वेंचर है, किस किस का, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और इसी के साथ ही केरला गवर्नमेंट का जो मतलब केरला गवर्नमेंट है उसका, जैसे केरला गवर्नमेंट के जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसका नाम है केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्लस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, ये दोनों कॉरपोरेशन से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाली हैं।
और वो इसकी नोडल एजेंसी रहेगी, दोनों आपस में कॉस्ट है वो शेयर करेंगे। मतलब कुछ पैसा इसमें स्टेट का लगने वाला है, कुछ सेंट्रल का वो लगने वाला है। किस स्टेट के लिए है यह प्रोजेक्ट? केरला स्टेट के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ट्रैफिक के बारे में। देखो ट्रैफिक है वो एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है ना, इसको मॉनिटर करने के लिए एक नेटवर्क स्थापित है वो करता है। यानी कि जो जंगली जानवर हैं, चाहे पेड़ पौधे हो, फौना है, चाहे फ्लोरा, दोनों तरह की स्पीसीज हो, इनको यह ट्रैक करता है कि भाई उनका ट्रेड हो रहा है वो इलीगल है या नहीं है, इनसे कोई नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा, इन सारी चीज़ों के ऊपर ये फोकस है वो करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यह IUCN के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस के तौर पर काम करता है, और जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF है, इसके साथ मिलकर भी एक अलायंस के तौर पर काम है वो कर रहा है। ट्रैफिक क्या है, खुद एनजीओ है, काम क्या है इसका, वाइल्ड लाइफ जो ट्रेड होता है जंगली जानवरों का या जो पेड़ पौधे हैं उनका, उन सबको मॉनिटर करने का एक नेटवर्क है जो कि सभी को ट्रैक है वो करता है ग्लोबल लेवल पे, कि भाई कहाँ से कौन से स्टेट वगैरह में कौन सी कंट्री में ट्रेड है वो हो रहा है। इसका मिशन या इसका टारगेट वो ये रखा गया है कि जो भी जंगली पेड़ पौधे हैं या जंगली जानवर हैं ना, इनके ट्रेड की वजह से उनके कंजर्वेशन को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर फोकस करता है। तो ध्यान रखना ट्रैफिक है एक एनजीओ है। बाकी इसमें दिया गया कि जो भी इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है उसके ऊपर रिसर्च वगैरह करने का, एडवोकेसी करने का, लोगों को अवेयर करवाने का, ये सारे काम इसके द्वारा चलाए जाते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे वो है हाउबारा बस्टर्ड। देखो जिस तरीके से इंडिया में जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो पाया जाता है, मेनली राजस्थान, कुछ अगर हम बात करें तो दो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वाले स्टेट हैं, इनके कुछ जो डेजर्ट वाले हिस्से हैं यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया, वो बस्टर्ड पाया जाता है। उसी तरीके से ये जो हाउबारा बस्टर्ड है ये भी बस्टर्ड की ही एक प्रजाति है। जो कहाँ पाई जाती है, ये मेनली पाई जाती है अगर हम बात करें तो जो अरेबियन पेनिनसुला है वहाँ से लेके सिनाइन जो पेनिनसुला है उस एरिया तक ये फैलाव है। अभी देखो न्यूज़ ये आई थी कि जो पाकिस्तान में इसकी का मतलब पाकिस्तान में जो हाउबारा बर्ड्स बस्टर्ड है ये पाया जाता है, और इसके वहाँ पे शिकार की अनुमति है वो दी गई है कुछ कतर के जो अमीर रईसती लोग हैं उनको, तो उसी को लेकर न्यूज़ आई है। तो न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हाउबारा बस्टर्ड। IUCN में अगर हम बात करें तो प्रोटेक्शन में इसको वल्नरेबल लिस्ट में रखा गया है, और वैसे इसकी दो प्रजातियाँ पाई जाती हैं, एक तो पाई जाती है नॉर्थ अफ्रीका में और एक पाई जाती है एशिया में। तो अफ्रीका में जो पाई जाती है उसका नाम है यहाँ पे क्लेमाइडोटिस अंडुलाटा, और जो एशिया में पाई जाती है उसका नाम है क्लेमोटिसिस मैकेनी। तो ये थोड़ा एक बार आप हल्का सा नाम याद रख लेना कि भाई ये किस रिलेटेड है, फिर आपको कोई दिक्कत है वो नहीं होगी। पाया कहाँ जाता है, जो शुष्क एरिया होते हैं, ड्राई एरिया होते हैं, डेजर्ट वाले, उन एरिया में मेनली पाया जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे वो आया है यहाँ पे बायोथेरापेटिक मेडिसिन के बारे में। तो क्या है बायोथेरापेटिक मेडिसिन, पहले वो देखते हैं, कंटेक्स्ट को हम यहाँ पे बाद में डिस्कस करेंगे। देखो आपने जेनरिक मेडिसिन का नाम सुना होगा, आपने बायोलॉजिक मेडिसिन का नाम सुना होगा। आज हम पहले उनको देख लेते हैं कि है क्या और क्या है ये बायोथेरेपेटिक मेडिसिन। बायोथेरेपेटिक मेडिसिन या फिर बायोलॉजिकल मेडिसिन दोनों का एक ही है, मतलब ये सेम है, इनमें आपको कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो नॉर्मल जो हम मार्केट से जो मेडिसिन लेके आते हैं उसमें आपको पता है कि सोल्ट का यूज़ किया जाता है, कि इसमें कौन सा केमिकल कंपाउंड है वो यूज़ किया गया है, आपने थोड़ा बहुत सुना होगा कभी कि जैसे कि पैरासीटामोल है उसमें पैरासीटामोल सॉल्ट है, कौन कौन से जो सॉल्ट है उनका यूज़ है वो किया जाता है। बट जो बायोलॉजिकल जो मेडिसिन होती हैं या बायोलॉजिक मेडिसिन या जिसे हम बोल सकते हैं बायोथेरापेटिक मेडिसिन, इनमें क्या होता है सॉल्ट की जगह है, जैसे कि जो जीवित चीज़ें हैं या बोल जिन्हें बोल सकते हो कि जैविक पदार्थ हैं, इनका यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोई सेल का यूज़ किया गया है, कोशिका, या फिर कोई ब्लड का यूज़ किया गया हो सकता है, या फिर कोई जो ब्लड सेल है इनका यूज़ किया गया है, या फिर कोई टाइप का टिश्यू है बॉडी का उसका यूज़ करके इनको बनाया जाता है। ये जो बायोथेरेपेटिक मेडिसिन होती है ना ये ज़्यादा कारगर होती हैं, बट ये कॉस्टली भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जो बायोलॉजिक या फिर जो बायोथेरेपेटिक मेडिसिन है ये काफ़ी महंगी होती हैं, और ये किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए यूज है वो की जाती हैं। मेनली इनका जो यूज़ है वो किया जाता है कैंसर, डायबिटीज़ और जो ऑर्थोराइटिस जैसी बीमारियाँ, गंभीर बीमारियाँ, इनमें इनका यूज़ है वो किया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि नॉर्मल मेडिसिन और जो बायोलॉजिक मेडिसिन या फिर जो हम बात करें कि बायोथेरेपेटिक मेडिसिन क्या होती है। नॉर्मल मेडिसिन में हम सॉल्ट है, केमिकल कंपाउंड है, उनका यूज़ करते हैं, जबकि जो बायोथेरेपेटिक मेडिसिन होती हैं या फिर बायोलॉजिक मेडिसिन होती हैं इनमें हम जो जैविक चीज़ें होती हैं, सजीव स्रोत होते हैं, सोर्सेज होते हैं, उनका यूज़ करते हैं। जैसे किसी भी एनिमल वगैरह की या कोई प्लांट की कोई सेल हो सकती है, कोई ब्लड सेल हो सकता है, या फिर रेड ब्लड सेल या कोई भी तरह की ब्लड सेल वगैरह यूज़ है वो की जा सकती है। यूज़ कहाँ होता है, काफ़ी सीरियस जो बीमारियाँ होती हैं उनमें इसका यूज़ है वो होता है। फिर आपने एक नाम सुना होगा कई बार कि जेनरिक मेडिसिन भी सुना होगा, या फिर एक वर्ड और आता हुआ होता है बायोसिमिलर्स मेडिसिन।
अब देखो, अभी हमने डिस्कस किया गया था जो बायोलॉजिक मेडिसिन है वो, कि भाई जो बायोलॉजिक चीज़ें होती हैं जैसे कि सेल वगैरह, टिश्यू वगैरह, इनसे बनाई जाती हैं, उनको कहते हैं बायोलॉजिक मेडिसिन। उसी तरीके से अब ये देख लो कि जैसे आपको पता होगा कि कोई भी मान लो कि ये है ABC कंपनी है, इसने कोई बायोलॉजिकल मेडिसिन बनाई। अब इसके पास स्टार्टिंग में जो पेटेंट है वो होता है लगभग 20 साल के लिए, कि मतलब 20 साल तक ये मेडिसिन सिर्फ यही कंपनी बेच सकती है, इसके बाद में कोई, इससे पहले कोई और कंपनी नहीं बेच सकती, 20 साल के बाद में कोई भी कंपनी इसको सेल कर सकती है। अब देखो 20 साल जैसे कंप्लीट हो गए, इसके बाद में जो इनकी मेन मेडिसिन थी ABC कंपनी की, उस मेडिसिन के जो सेम न्यूट्रिएंट, आप ये बोल सकते हो कि जो भी इसमें सेल टिश्यू वगैरह यूज़ किए गए थे उन्हीं का यूज़ करके वो दूसरा आदमी भी उन मेडिसिन को बेच सकता है। तो वो होती हैं बायोसिमिलर्स मेडिसिन, यानी कि जो बायोलॉजिकल मेडिसिन होती हैं उन्हीं की सेम टू सेम जो कॉपी होती है, बट ये सस्ती होती हैं। सस्ती क्यों होती हैं? क्योंकि देखो जो बायोलॉजिकल मेडिसिन होती हैं वो पहले बनती हैं, इनके ऊपर काफ़ी सारे रिसर्च का खर्चा होता है, तो वो खर्चे वगैरह बाद में बायोसिमिलर्स मेडिसिन में नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि भाई ये तो उनकी कॉपी बनाई जा रही है, जब कॉपी है तो सेम सॉल्ट के लेके वो, आप जो मतलब सेम बायोलॉजिकल मटेरियल यूज़ किया गया है उसकी ज़रूरत नहीं होगी ना आपको वापस में टेस्टिंग वगैरह करवाने के लिए। ये होती है बायोसिमिलर्स मेडिसिन। अब आपने एक जेनरिक मेडिसिन का नाम और सुना होगा। जेनरिक मेडिसिन क्या होती हैं? जैसा देखो मैंने आपको पहले बताया ना कि एक तरह की मेडिसिन तो वो होती हैं जो बायोलॉजिकल कंपाउंड से बनती हैं, एक वो होती हैं जैसे कि पैरास्टामोल का एग्जांपल लिया था कि जो केमिकल सॉल्ट वगैरह थे इनका यूज़ करके बनाई जाती हैं। तो स्टार्टिंग में जो केमिकल सॉल्ट वगैरह यूज़ करके जो मेडिसिन बनाई गई है उन मेडिसिन को जब उनका पेटेंट टाइम खत्म हो जाता है और उसके बाद में जब उनको और कोई कंपनी बेचती है वो होती है जेनरिक मेडिसिन। मतलब जेनरिक मेडिसिन में क्या होता है, सेम जो सॉल्ट वगैरह है वही यूज़ होते हैं, जबकि बायोसिमिलर्स में क्या होता है, बायोलॉजिकल कंपाउंड है वो सेम होते हैं। तो आई होप आप इसमें डिफरेंस है वो समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं न्यूज़ क्या आई है। न्यूज़ अभी आई है कि वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसने भी जो ब्रेस्ट कैंसर होता है इसके उपयोग में लाए जाने वाले एक मेडिसिन है जिसका नाम है, यहाँ पे दे रखा है ये रहा, ट्रोस्टजुबेम। तो ये ट्रोस्टजुबेम जो मेडिसिन है ना, इसी को लेके भी ये कहा कि भैया आप इसकी बायोसिमिलर मेडिसिन है वो कमर्शियल रूप से यूज है वो कर सकते हो, यानी कि जो ब्रेस्ट कैंसर की जो प्रॉब्लम आ रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको काउंटर करने के लिए WHO ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं कि भैया आप बायोसिमिलर्स मेडिसिन मार्केट में ला सकते हो। नॉर्मली देखो जो ये मेडिसिन है यहाँ पे दे रखा है इसका नाम ट्रोस्टजुबेम, इसका 1 साल का जो कॉस्ट होता है वो होता है लगभग $20,000 के आसपास। मतलब 1 साल तक अगर आप इसका यूज़ करो तो लगभग $20,000 आपको पैसे खर्चे वो करने पड़ते हैं। तो आपको पता है गरीब लोग इस अमाउंट को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए बायोसिमिलर्स मेडिसिन है वो यूज़ की जाती हैं। जिस तरीके से जेनेरिक मेडिसिन होती हैं उनमें क्या होता है, केमिकल कंपाउंड सेम होता है, उसी तरीके से बायोसिमिलर्स मेडिसिन में क्या होता है, बायोलॉजिकल कंपाउंड है वो सेम होता है। दोनों में आप डिफरेंस है वो समझ गए होंगे। जैसे थोड़ा यहाँ पे दे भी रखा है देखो मेरा, कि बायोलॉजिक मेडिसिन कौन सी होती हैं, जो ब्रांड नेम होता है जो खुद वो डिस्कवर करते हैं वो होती हैं, इनमें जो प्रोटीन वगैरह है, सेल लिविंग सेल वगैरह है, इनका यूज है वो किया जाता है, जैसे फूड हो गया, ब्लड, pH वगैरह, इन सब का यूज़ करके इसको बनाया जाता है। बायोसिमिलर क्या होगा, इन्हीं की आप कॉपी करके बना रहे हो उन्हीं को कह देंगे बायोसिमिलर। और जेनरिक मेडिसिन कौन सी होती हैं, जो कि मार्केट में हम नॉर्मल मेडिसिन देखते हैं इन्हीं की कॉपी टाइप की होती हैं, सेम सॉल्ट होता है वो होती हैं जेनरिक मेडिसिन। तो सबसे अगर हम बात करें तो सबसे सस्ती हो जाएंगी कौन सी, जेनरिक मेडिसिन, इसके बाद में इनसे थोड़ी महंगी आएंगी वो आ जाएंगी बायोसिमिलर, और सबसे महंगी आ जाएंगी वो जाएंगी बायोलॉजिक मेडिसिन, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा महंगी होती हैं। ये थी आज की हमारी डिस्कशन, अब हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में जाना, जो कि तेलंगाना का गोदावरी रिवर पर एक इंपॉर्टेंट लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट है। लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या है वो मैंने आपको बता दिया, कि पानी एक जगह से या नीचे वाले एरिया से उठा के ऊंचे वाले एरिया तक है वो शिफ्ट किया जाता है। फिर हमने यहाँ पे जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है केरला का, उसके बारे में डिस्कस किया। इसी के साथ ही हमने जो ट्रैफिक एक NGO है, वाइल्ड लाइफ जो ट्रेड होता है उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको डिस्कस किया। फिर हमने होबरा बस्टर्ड के बारे में डिस्कस किया जो कि IUCN में वल्नरेबल लिस्ट में है। साथ ही हमने बायोथेरेपिक मेडिसिन, बायोलॉजिकल मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन, इन सब के बारे में डिस्कस किया। तो ये थी आज की मेरी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।